जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टेलीकॉम तक पे। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जिस टॉपिक की सबको जरूरत है। टॉपिक ये होने वाला है कि अगर आपने भी अपनी सिम किसी और को अपनी आईडी पे दे रखी है, या आप भी किसी और की सिम अपने फोन में चलाते हैं जो किसी और की आईडी पे है, तो उस आईडी को चेंज कैसे करना है, यानी कि आप जो सिम यूज कर रहे हैं उसकी आईडी कैसे चेंज करना है, तो हम आज आपको यही बताएंगे कि सिम की आईडी कैसे चेंज होती है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने भी अभी तक अपना चैनल टेलीकॉम पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए सब्सक्राइब। आपको अपने सिम कार्ड की आईडी कैसे चेंज करनी है, तो सिम कार्ड की आईडी चेंज करने के लिए हम लोगों ने देखा है कि लोग परेशान रहते हैं कि मेरी सिम किसी और के नाम पे है, दूसरे की सिम मेरे पास है, या मेरी सिम कहीं और है उसकी सिम मेरे पास है। इस तरीके के इशू आते रहते हैं, या मेरे नाम पे बहुत सारी सिमें हो गई, या मुझे अपने सिम से कुछ आईडियां हटाना है, या आपने किसी को पर्सनल यूज करने के लिए पहले दे रखी थी सिम, अब वह उसका पर्सनल नंबर बन गया है बट अभी भी वह आपके नाम पे सिम चल रही है, आपने किसी से सिम ले रखी थी वह भी अभी तक चल रही है। चलिए मैं आपको बताता हूं आपको सिम कार्ड की आईडी कैसे चेंज करना है। सिम कार्ड की आईडी चेंज करने के लिए आपको ज्यादा परेशान नहीं होना, ज्यादा सोचना नहीं है। उसको चेंज करने के लिए दो ऑप्शन होते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन होता है दोस्तों पोर्ट आउट का। पोर्ट आउट का ऑप्शन ये होता है कि आप अपना मोबाइल नंबर किसी अदर ऑपरेटर में पोर्ट करा सकते हैं। उसके लिए आपको जब आप यूपीसी कोड उसका जनरेट करेंगे, उसके बाद जब आप दूसरे ऑपरेटर में जाएंगे, तब आपका वहां पर डॉक्यूमेंट आप अपने सबमिट करा दीजिए। आप जिसके भी नाम पे सिम एक्टिवेट कराना चाहते हैं, जिसकी भी आईडी लगवाना चाहते हैं, आप उसके डॉक्यूमेंट से दूसरी कंपनी में आप करवा दीजिए पोर्ट। पोर्ट आउट कैसे होता है, इसका पूरा प्रोसेस क्या है, इसके लिए हम लोगों ने अपने चैनल पे एक वीडियो बना रखी है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। जब पोर्ट आउट सिम आपकी हो जाती है, दूसरे के नाम पर एक्टिवेट हो जाती है, तो ऑटो मोड पे आईडी अपने आप चेंज हो जाती है। बट आपको पोर्ट आउट नहीं कराना है, आपको सेम जिस कंपनी में आप यूज कर रहे हैं उसी कंपनी में आपको यूज करना है, और आपको उसमें आईडी भी चेंज करना है। तब आप क्या करेंगे, यही ऑप्शन सबके माइंड में रहता है, तब हम लोग क्या करें, आपको कंपनी भी चेंज नहीं करनी है और आईडी भी कर लेनी है चेंज। तो आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर आप भी ऐसा ही करना चाहते हैं, कंपनी भी चेंज नहीं करना चाहते हैं और आईडी भी चेंज करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, आपकी सेम कंपनी में भी आईडी हो सकती है चेंज। तो दोस्तों अगर आप सेम कंपनी में ही कराना चाहते हैं तो उसके भी दो ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन ये होता है कि अगर आप ब्लड रिलेशन की आपकी आईडी है, सपोज करो आपके भाई की, आपकी वाइफ की, या किसी के हस्बैंड की, या किसी की मदर की अगर आईडी है, तो आप उसके लिए आपका सिंपल सा तरीका ये होता है, आप उस कंपनी के आउटलेट पे ब्रांड स्टोर पे जाइए, वहां पर आप जिसके नाम पे सिम कार्ड है उसके डॉक्यूमेंट्स और जिसके नाम पे आप कराना चाहते हैं उसके डॉक्यूमेंट दोनों दे दीजिए। अब आप जिस नए नाम पे एक्टिवेट कराना चाहते हैं उस नाम पे हो जाएगी। बट याद रहे ये ब्लड रिलेशन में ही वैलिड है। बट अगर आपका ब्लड रिलेशन में एक्टिवेट नहीं थी सिम किसी फ्रेंड सर्कल में या किसी मिलने वाले से थी, तब आपको बैक कैसे चेंज कराना है। अब मैं बताता हूं आपको ये तरीका कि किसी अदर पर्सन के नाम पर थी और उसको आपको सेम कंपनी में कराना है और आईडी भी चेंज कराना है, तो उसका तरीका ये है कि आप अपने सेगमेंट चेंज कर लीजिए। सेगमेंट का मतलब ये है, अगर आप प्रीपेड में हैं तो आप उसको पोस्टपेड करा लीजिए, अगर आप पोस्टपेड में हैं तो आप उसको प्रीपेड करा लीजिए। जब आप अपना सेगमेंट चेंज करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स भी चेंज होंगे, जब आपके डॉक्यूमेंट चेंज होंगे तब आप जिस न्यू नाम पे सिम एक्टिवेट कराना चाहते हैं उस पे करा लीजिए। इससे आपका सेम कंपनी में रहकर आपकी आईडी हो जाएगी चेंज। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें।